अरबाज खान एक भारतीय कलाकार और फिल्म निर्माता हैं। अरबाज के प्रोडक्शन की पहली ही फिल्म दबंग ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी थी और एक ही हफ्ते में करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। अरबाज का जन्म 4 अगस्त 1967 में हुआ था, यानी आज अरबाज का जन्मदिन है। अरबाज बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम खान के बेटे हैं। उनकी मां का नाम सलमा खान है। उनकी सौतेली मां हेलेन अपने जमाने की बॉलीवुड डांसिंग डीवा रह चुकी हैं। अरबाज खान सलमान खान और सोहेल खान के भाई हैं। अरबाज की दो बहनें भी हैं जिनका नाम अलवीरा अग्निहोत्री और अर्पिता खान शर्मा है। अरबाज के जीजा अतुल अग्निहोत्री भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक भी हैं। अरबाज खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने बड़े भाई सलमान खान के साथ सिंधिया स्कूल ग्वालियर से ही पूरी की है। अरबाज की शादी उनकी कथित प्रेमिका मॉडल अभिनेत्री मलाइका अरोरा से हुई है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम अरहान खान है। हालांकि अरबाज और मलाइका की शादी 11 मई 2020 को खत्म भी हो गई। अरबाज ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में आई फिल्म दरार से की थी। फिल्म दरार में अरबाज एक साइकोपति के किरदार में नजर आए थे। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर में बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। अरबाज के करियर की गाड़ी स्लो स्पीड से चली। इसके बाद वो कई मल्टी स्टारर फिल्मों में नजर आए। गर्व, द प्राइड ऑफ ऑनर, दबंग, दबंग 2, हलचल, प्यार किया तो डरना क्या और हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। अरबाज का करियर भले ही बतौर अभिनेता कुछ खास ना रहा हो, लेकिन वो एक सफल निर्माता जरूर है। साल 2010 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन के तहत सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग का निर्माण किया, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार कर दिया था। फिल्म दबंग को उस साल सबसे मनोरंजक फिल्म के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही दबंग को फिल्म फेयर में बेस्ट मूवी के अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके बाद उन्होंने दबंग के सीक्वल बनाए दबंग 2। इस फिल्म ने भी फिल्म दबंग की तरह ही कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हालांकि उनके प्रोडक्शन की तीसरी फिल्म स्टारर सोनम कपूर फिल्म डॉली की डोली दर्शकों को अपनी ओर खींचने में नाकाम साबित रही, लेकिन अब अरबाज को दर्शक बतौर कलाकार देखने के इंतजार में हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।